सावन के महीने को भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना गया है। ऐसे में भोले के भक्त सावन के पूरे महीने में बाबा को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर कावड़ियों की एक कावड़ खंडित हो गई है। सवाल ये है कि कौन से वो असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कावड़ियों की यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि कावड़ियों द्वारा सीलमपुर रोड को जाम किया गया, लेकिन इसका कारण आपको बता दें कि जिस दौरान कावड़ियां उस मार्ग से कावड़ लेकर जा रहे थे, उसी समय एक मांस का टुकड़े मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कावड़ियों की एक कावड़ खंडित हो गई है, जिसके बाद उनका गुस्सा जो है वो फूट फूट कर बाहर आया और उसी दौरान सीलमपुर रोड को जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस की काफी मशक्कत के बाद उस जाम को खोला गया। वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस वीडियो को देखिए कि कावड़ियों का गुस्सा कितना ज्यादा सड़क पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि कौन से वो असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस शरारत को अंजाम दिया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस खबर में इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन स्क्रीन पर सामने जो फुटेज नजर आ रही है, इस फुटेज को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कावड़ियों का गुस्सा आना जायज है। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? सावन का महीना इतना पावन माना जाता है और उस दौरान कौन से वो असामाजिक तत्व है जिन्होंने कावड़ियों के मार्ग में ऐसा विघ्न डालने की कोशिश की? अगर इस बात में सच्चाई है तो जरूरी है कि इस मामले की जांच की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर किसके द्वारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा का खासा ध्यान रखा गया था, उसके बावजूद भी ऐसी गुस्ताखी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।